अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होगी। आज मैं आपको लाहौर के किसी एरिया की नहीं बल्कि मरी की सैर करवाऊंगी। अभी मैं रास्ते में हूं और यहां पे हमने कुछ देर स्टे किया है कुछ खाने पीने के लिए। जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन्हें आइडिया होगा कि इस सीज़न में नॉर्दर्न एरियाज़ में स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, और हम जैसे लोग जो बहुत ही गर्म सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे 8-9 मंथ्स गर्मी के होते हैं, हमारे लिए स्नो ऐसे जैसे कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ हो। तो जैसे ही हमें पता चला कि मरी और नथिया गली में स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई है, हमारा सडन प्लान बन गया कि कुछ दिन वहाँ पर स्टे करते हैं। और ये स्नो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं मरी में पहुंच चुकी हूं। अभी हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, वहां पे कुछ देर रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको आज मरी माल रोड की सैर करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी यहां की माल रोड में ड्रेसेस की, शूज़ की, ज्वेलरी की क्या वैरायटी है। होटल पहुंच के मैं सो गई थी और जब मैं उठी हूँ उस टाइम पे शाम हो गई है। ये हमारे रूम की विंडो से सारा व्यू नज़र आ रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अब मैं आपको माल रोड की सैर करवाती हूँ। ये माल रोड में GPO बिल्डिंग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन्हें तो इसका पता होगा। और यहाँ से सारा माल रोड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सब शॉप्स जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ हैं और हर तरह की शॉप्स आपको मिलेंगी। और यहाँ पे जो ड्रेसेस मिलेंगे वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। शॉल्स आपको जगह जगह पे नज़र आएंगी। शॉल्स एक ऐसी चीज़ है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो आप कहीं पे भी जाएँ जगह जगह पे इसके स्टॉल्स लगे होंगे। तो यहाँ माल रोड में भी आपको शॉल्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स नज़र आएंगी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं। 600 से स्टार्ट हो रही हैं और 2500 तक जा रही है। 2500 से अबव यहाँ पे कोई भी शॉल नहीं है और बहुत ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। और जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादातर लीनन, खदर या फिर शिफॉन के ड्रेसेस मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ्स जो होते हैं वो सर्दी के ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे विंटर वैरायटी हर वक्त ही होती है। ये जितने भी आप 3-पीस ड्रेसेस देख रहे हैं ये सब 1500 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये लीनन के फैब्रिक में हैं। कुछ लीनन के हैं, कुछ खदर के हैं और ये वाले सारे शिफॉन के हैं। ये भी 1500 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2-पीस शिफॉन के ड्रेसेस हैं, प्रिंटेड शिफॉन है ये। यहाँ पे शिफॉन की बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। लाहौर में जो मैंने प्रिंटेड शिफॉन के ड्रेसेस देखे हैं वो सब 3-4000 से स्टार्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे 1500 में आपको बहुत ज़बरदस्त प्रिंटेड शिफॉन 2-पीस सूट में मिल जाएगा। शर्ट और दुपट्टा मिलेगा और उसके साथ आपको ट्राउज़र जो है वो मैच करना पड़ेगा। ये सब भी खद्दर के सूट हैं और यहाँ पे भी कुछ शर्ट्स लगी हैं। ये जितनी भी शर्ट्स हैं ये भी 1500 से स्टार्ट हो रही हैं। वेलवेट की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। वेलवेट की शॉल्स भी होंगी, शर्ट्स भी होंगी, अनस्टिच फैब्रिक में भी आपको मिल जाएगा। ये भी आप शॉल्स देख रहे हैं, साथ साथ इनकी प्राइसेस भी मेंशन है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी शॉल्स मिल जाएंगी। ये सब वेलवेट की कलेक्शन है। ये वेलवेट की शर्ट्स हैं जो कि ये भी 1500 से ही स्टार्ट हो रही हैं। ये भी सब वेलवेट की एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स हैं और साथ में वेलवेट की शॉल्स हैं।
यहाँ पे ड्रेसेस जो हैं वो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे, चाहे वो स्टिच हों, अनस्टिच हों, जैकेट्स हों, स्वेटर्स हों, सब कुछ आपको 1500 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो थोड़ा बहुत कम कर देंगे, लेकिन बार्गेनिंग करके ये लोग इतना ज़्यादा कम नहीं करते जितना लाहौर में कम कर देते हैं। यहाँ पे अगर बार्गेनिंग कर भी लो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 या 200 कम कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये आप जितने भी कोट देख रहे हैं ये सब 2000 के हैं, 2000 से अबव यहाँ पे कोई कोट भी नहीं है। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये नहीं कि इनकी कम प्राइस है तो शायद लो क्वालिटी के हैं ये। इसी तरह के कोट अगर आप किसी ब्रांड के लेंगे तो वो एटलीस्ट आपको 5000 की रेंज में तो लाजमी मिलेंगे। और ड्राई फ्रूट्स की भी आपको जगह जगह पे शॉप्स नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको वो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जो जिनका आपने ना कभी नाम सुना होगा ना कभी देखे होंगे। और ये सब अफगानी ड्रेसेस की शॉप है। यहाँ पे आप जितने भी ये स्टिच अफगानी ड्रेसेस देख रहे हैं ये सब 2500 के हैं। माल रोड में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। पूरी लाइन एक जो है वो रेस्टोरेंट्स की है। माल रोड में थोड़ा सा आगे जाके शुरू में आपको ड्रेसेस की शॉप्स मिलेंगी और ज्वेलरी की शॉप्स मिलेंगी, और आगे जाके आपको पूरी लाइन में रेस्टोरेंट्स वगैरह नज़र आएंगे। ये भी शॉल्स की ही एक शॉप है। शॉल्स तो आपको यहाँ जगह जगह पे नज़र आएंगी, क्योंकि इन एरियाज़ में जो सबसे फेमस चीज़ मिलती है वो यहाँ की शॉल्स ही हैं। और हर फैब्रिक में आपको यहाँ पे शॉल मिलेगी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। ये एक शॉप से यहाँ पे हैंडबैग्स मिल रहे हैं और साथ में कुछ ज्वेलरी भी है यहाँ पे। ये जितने भी हैंडबैग्स हैं ये सब 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं। ज्वेलरी यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। यही वाली ज्वेलरी जो है वो मैंने लाहौर में अनारकली में देखी है, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। अगर ज्वेलरी की मैं बात करूं तो मुझे लाहौर की ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है अनारकली और लिबर्टी की। यहाँ पे मुझे ज्वेलरी की कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं लगी। जो छोटे से इयररिंग्स यहाँ से 200 या 300 के मिल रहे हैं, वही अगर आप अनारकली से लेंगे तो आपको 100 के या 150 के मिल जाएंगे। तो ज्वेलरी के लिहाज से ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है। टॉयज़ की भी आपको जगह जगह पे शॉप्स नज़र आएंगी। टॉयज़ भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। लाहौर में यही वाले टॉयज़ जो हैं वो कम प्राइसेस में मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं टॉयज़ की। और ये शूज़ की शॉप है जहाँ पे आपको बच्चों के बड़ों के विंटर शूज़ नज़र आएंगे। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में हैं, 1800 से ये सब विंटर शूज़ स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जितनी भी आप लेदर की जैकेट्स देख रहे हैं ये भी 1800 से स्टार्ट हो रही हैं।
मरी में आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको चाय के और कॉफ़ी के जगह जगह पे स्टॉल्स नज़र आएंगे, और इतनी सर्दी में चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। जिनको नहीं भी चाय पसंद होती, जो इतनी ज़्यादा नहीं भी पीते, वो भी दिन में 2-3 बार तो लाजमी पी लेते हैं ऐसे एरियाज़ में जाके। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।